नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कानपुर की चक्रपुर मंडी की। आज दिनांक 15 नवंबर है और आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं ओनली कानपुर मंडी की। आज कानपुर की मंडी में जो आमदनी है 80 से लेकर 100 मोटर का अनुमान लगाया जा रहा है। और आज के आलू का भाव तो इतना कम होता जा रहा है कि आज जो आपके ख्याति और पोखराज आलू हैं वो आपके 450 से लेके और 520-530 रुपए प्रति मन, अच्छा है तो 550 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिकेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और बिक्री बहुत ही सुस्त है। कार्ड बता रहे हैं कि नया आलू वहाँ पे आना प्रारंभ हो गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इतने आलू से कुछ नहीं होने वाला है। आलू में एक बार करंट ज़रूर आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके लाल आलू की, तो लाल आलू 500 से लेकर और 700 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं। और आपका जो लोकल कन्नौज का जो आलू है, नया आलू जो है आपका 700 से लेके और 805 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहे हैं नया आलू। और वहीं बताते हैं कि अगर आपका ऊना होशियारपुर का जो नया आलू है वो आपका 900 से लेके 1000 रुपये प्रति मन के हिसाब से भी बिक जाएगा। और लोगों का मानना है कि आज आलू के दाम में और भी गिरावट आ सकता है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी लेवाल नहीं है। बताते हैं कि आज जो आलू हैं ख्याति पुखराज आमतौर पे 450 और 500 रुपये प्रति मन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिक्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज यहाँ पे जो और साथियों क्या है कि कानपुर की मंडी में जो आलू की बिक्री होती है वो प्रति 40 केजी के हिसाब से होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। न्यू आइलैंड आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे अब बात कर लेते हैं साथियों जयपुर की। तो जयपुर में जो आमदनी है वो लगभग 100 गाड़ियों की है। आलू के जो भाव हैं वो 700 से लेकर और 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू बिक्री हो रहा है। वहाँ पे लगभग 14 गाड़ियाँ जो थी नए आलू की पहुँची थी, और जो नया आलू आपका है, नया आलू आपका बिका है 900 से लेकर 1000 रुपये पैकेट। और आपका हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में 97-97 1600 से लेकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका हुआ है। अदरवाइज अन्य जगह के आलू का भाव अन्य वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।